अब हम सब किसान, जितने किसान भाई हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, सभी फिर से एक मुठ हो चुके हैं। ये मैं सीधा खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार के बोलना चाहता हूँ, कहीं भूल में ना रह जाए। ये सभी अलग अलग हैं, ये पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, ये आगे भी एक रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। आप यहां पर करनाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई क्या कहना चाहेंगे जी, ये तानाशाही सरकार हमारे हाँ। ऊपर पता नहीं क्या क्या अत्याचार करेगी जी। ये 14 मई है आज, और पिछले 16 मई को इसार में खट्टर ने यू कांड करवाया था, और आज इसकी यह मनसा थी करनाल में भी कि भाई कुछ न कुछ कांड करवाऊं। लेकिन हमारे किसान एकता, जो हमारे पूरे हरियाणा के किसान, यानी कि एक साल पहले वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया था किसानों के ऊपर, हाँ, और वे इसने पता नहीं किस साल गिरा मनावे था वो, हाँ। ये कर रहा है उस दिन तय ऐसे इसने पहले कर रहा था, और आज फिर आज ये काम यू करनाल में करना चाहता था। लेकिन ये किसान एकता, जब हमारे पूरे हरियाणा के संगठन एकजुट होके एक झंडे के नीचे आके ने इन्हें एकता दिखाई है, प्रशासन इतना डर गया, खट्टर डर गया। भाई खट्टे डराने तो हमें थे, लेकिन प्रशासन डर गया। देखा आज किसान उड़ा के दिखा, किसान तो है रे, पुलिस प्रशासन जो 4-5 दिन हो गए किसान ने डरा था, लाठी चार्ज करता, आज जाके दिखाओ हिम्मत है तो। उस खट्टर ने भी बेरा पट गया, और करनाल प्रशासन ने भी बेरा पट गया। किसान एकता जिंदाबाद। किसान के साथ ऐसा न करे प्रशासन और सरकार भी। लास्ट में क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे जिला जिंदगी अध्यक्ष किसान यूनियन? मैं तो ये कहूँ हरियाणा सरकार से, भाई किसानों ने ज्यादा तंग मत कर, किसान अपना खेत में कमावे हैं और खावे हैं। ये अनुगण खेतर थी, ये तो पता नहीं के हम नहीं कंधे भाई सर, ये बिजली ये टावर लगाओ, फिर ये ना करो कि किसान का जमीन कर्जा छोड़ लो। इन्हें तो मुआवजा चाहिए, हमारी कीमत इसकी 5 करोड़ की रुपये दे भाई, 70,000 कड़े तक किसानों करेगा। भाई हमने खड्डे मुंडन का निर्णय लिया था, मूंद के दिखाई दी प्रशासन का जी मौजो सी कर। मैं तो क्या कहना चाहूँ भाई, इन्होंने कहा खट्टर ने उदन लाठी चार्ज करवाई थी किसानों पे, आज आके दिखाई दो, आज लाठी चार्ज दिखाई दो, देख ले कितने तरह इसके जिजर फूट पे खड़े हैं, ये देख ले, दिखा दे एक बारी भाई, आज आके दिखाई दे। क्यों मामना नौकरी मारता ही नहीं, या जमीन बच रही मामना, इसमें भी नहीं बोन खान देंदा, कड़िया खंबे गाड़ दे, कड़िया फैक्ट्री खोल दे है, तो कड़िया मामना मुआवजा तो दे दिया है, मुआवजा देंदा नहीं। तो आज मामना यह मांग करी थी भाई, मामे खड़े मामे नहीं खोदन देंदे, मामना मुआवजा पूरा दो, मामना हमारी मांग पूरी कर दी। आगे किस सरकार चाहो कुछ भी करना चाहो, हाँ क्या कहेंगे? देखिए जो सरकार तानाशाही कर रही है, किसान और जवान देश का, किसान अन्न पैदा करता है देश, और जवान हमारा सुरक्षा करता है। आज जवानों को भी तंग किया जा रहा है, किसानों को भी तंग कराया जा रहा है, जो एसी कमरे में बैठ कर किसान और जवान को तंग कर रहे हैं। इस देश को जो धनंडे लोगों के हाथों में दे दिया है, ये देश गुलामी की ओर चला गया है। अगर प्रधानमंत्री होता तो किसान के बारे में सोचता, ये अडानी अंबानी के इशारे पर चल रहे हैं। अगर आप टेम्पो में भी जाएँ तो 10 रुपये लेता है, क्योंकि इसको कई साल पहले बड़े बड़े जहाज दिए, 10-10 लाख के कोट पहनाए, 6-6 लाख के जूते पहनाए, 20-20 हज़ार में तो दाढ़ी सेट हुआ इसकी। ये किसान कमेरा का नहीं है, यह अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है, ये ऐसे तंग करेगा और हम इसकी तानाशाही नहीं सहेंगे, ऐसे हम संघर्ष लड़ा रहे। सत्यवान भी हमारे साथ किसान नेता, सत्यवान जी क्या कहना चाहेंगे आज जी? देखिए 3 दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी दी थी यहाँ के प्रशासन को कि हमारी बात को मान लिया जाए, लेकिन सरकार तानाशाही में उतरी हुई थी, सरकार समझती थी कि किसान एकजुट नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेटम दिया था कि आज का 14 तारीख को सरकार गड्ढे खोद रही है, गड्ढे पाटने का काम करेंगे, आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से किसान यहाँ इकट्ठा हुआ और आया है, और जो कहा था वही करके दिखाया है, और किसान मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा, और ये गड्ढे आप देख रहे हैं पाटने का काम किया है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में गर्मी की चिंता ना करते हुए किसानों में इतना आक्रोश है, और यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे महिला हैं, और ये डिपार्टमेंट काम किया है। लास्ट में खट्टर सरकार तक क्या कहना चाहेंगे? खट्टर सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं हम कि एक किसान है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, इस किसानों से टकराव ना ले। जो किसान का जायज मुआवजा बनता है वो तुरंत खट्टर हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के किसानों के घर पे जाए और उनका मुआवजा दे, और तब जाके खेत में ये काम करे। बिल्कुल, यानी कि सत्यवान नरवाल जी का भी कहना है कि मुआवजा दे। देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर, जब तक 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं देते, अगर इससे बड़ा मोर्चा लगाने की जरूरत आएगी, नौबत आएगी, तो
वो भी हम काम करेंगे। अभी तो फिलहाल हम प्रशासन और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनका मुंह देख रहे थे भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब हम सब किसान, जितने किसान भाई हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, सभी फिर से एकमुट हो चुके हैं। ये मैं सीधा खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार को बोलना चाहता हूँ, कहीं भूल में ना रह जाए भी। ये सभी अलग अलग हैं, ये पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, ये आगे भी एक रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। देख सकते हैं काफी जोश है युवा के अंदर। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस मुकर मामले को लेकर? आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज किसान के खेत में खड्डे खोद दिए गए थे, किसानों के द्वारा दोबारा से बंद कर दिया गया बगैर मुआवजे के। आज किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी सरकार को, और सरकार की जो ताकत थी उसको चकनाचूर कर दिया किसानों ने। जो सरकार किसानों को जमीन पर अवध कब्जा कर दी, आज उसको किसानों ने छुटवा लिया है, और आगे भी चेतावनी दे दी है सरकार को, मतलब किसानों के साथ ऐसा होगा तो न्याय नहीं सहन किया जाएगा। आज आपने भी देख लिया होगा लाखों की संख्या में किसान हो गए हैं, किसान दोबारा जागरूक फिर हो गए हैं। सरकार के टाइम था किसान इकट्ठे नहीं हो रहे, काम धंधा का टाइम था जब किसान इकट्ठे नहीं हो रहे थे, दोबारा फिर किसान जागरूक हो लिए हैं, और किसान इस सरकार की एक भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी खबर यहाँ पर आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं किसानों के द्वारा यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप भी, झंडा डंडा लेकर के पहुँचे जी? ये किसानों की जीत है, जो किसानों को डराया धमका आ जाता है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है, अपना ले लेते हैं, वो देर लगती है, धमकियों से नहीं डरते। आज हमने यहाँ झंडा गाड़ दिया है, हमारी जमीन है, हमारा सब कुछ है। बिल्कुल हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप, टिकरी बॉर्डर पे भी मिलते थे, आज क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर पहुँचे? भाई किसान एक है, सारे का भाईचारा इकट्ठा है, एक आवाज में सभी आवा हाँ, जिनसे आए हैं और एक कॉल पे सभी मैसेज पे, एक कॉल पे सभी आते हैं, टिकरी हो, गाजीपुर हो, शंभू हो, सिंघू हो, जौन सा मर्जी बॉर्डर हो, जहाँ पे भी मोर्चा लगया है, भाई और भाई के साथी हमेशा साथ पहुँचे हैं। देख सकते हैं ट्रैक्टरों के द्वारा यहाँ पर इन खड्डों को बंद किया जा रहा प्रशासन के द्वारा। जिन खड्डों को खोदा गया था किसान मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है वो आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसे गर्मी में भी यहाँ पर जो किसान महिला किसान नेता सुमन हुड्डा वो यहाँ पर पहुँचे सभी के सभी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जो चढ़ूनी ग्रुप की महिला की अध्यक्ष हैं सुमन हुड्डा, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी की एक ही बात कहनी है सभी का कि आइंदा भी हम ऐसे ही, हम जिस प्रकार से इन खड्डों को बंद किया, यदि किसान संतुष्ट नहीं होंगे, हम फिर से दोबारा से फिर ऐसे ही खड्डों को हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये इस वक्त की जो बड़ी खबर थी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से करनाल के इस गांव से। आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतज़ार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।